अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू तो माय चैनल कैसे हैं जी आप सब अच्छा जी आज का व्लॉग हमने स्टार्ट किया है तो जी ये थोड़ी सी मैंने वीकली शॉपिंग की थी ग्रोसरी की तो मैंने कहा वो भी आपसे शेयर कर लूँ ये मैं लाई थी जी फ्रोज़न पराठा प्लेन पराठा है बच्चे बड़े शौक से खाते हैं लंच बॉक्स की रेसिपीज़ भी इससे बड़ी आसानी से बन जाती हैं तो ये ख़त्म हो चुके थे ये लाई थी साथ में ये ब्रेड थी और रस थे और ये ऑलपर्स का जो है ये स्ट्रॉबेरी फ़्लेवर्ड मिल्क और चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क लाई थी और बड़ा हेल्दी होता है ये और जो जूसेस होते हैं उनसे तो बेहतर ही होता है मुझे ये ठीक लगता है तो बच्चे बड़े शौक से पीते हैं लंच बॉक्स में ले जाते हैं ये थे और ये ऑयल वग़ैरह ख़त्म हो गया था तो ये लेकर आई थी मैं और उसके अलावा अंडे थे और बस ये थोड़ी सी शॉपिंग थी तो ये चीज़ें बस लेकर आई थी और साथ ही में मैं ले आई थी जी चिकन चिकन भी ख़त्म हुआ हुआ था तो वो भी ले आई थी तो अब ये जो है एक ही बार सारे चिकन को जो है वो मैं साफ़ कर लूँगी पहले जो है मैं इसको हाफ ऑफ़ कर लूँगी कि ज़ाहिर सी बात है एक ही बार सारे चिकन साफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था मुझे तो अब ये हाफ ऑफ़ करने के बाद जो है मैं सारे चिकन को जो है वो साफ़ कर लूँगी ये मैं एक ही बार जो है वो पूरे महीने के लिए लेकर आई थी तो अब इसको साफ़ करके जो है वो मैं पैकेट्स बना के इसके तो मैं इनको फ़्रीज़ कर लूँगी तो काफ़ी आसानी हो जाती है ये कि अचानक से अगर आपके घर में कोई गेस्ट वग़ैरह आ जाए तो अच्छा होता है अगर ऐसी चीज़ें आपके पास जो है वो पहले से फ़्रीज़ हुई पड़ी हो तो मैं ये जो ऐसे गोश्त होते हैं चिकन या गोश्त वग़ैरह होता है उसे बड़ा डिपली साफ़ करती हूँ हर कोई साफ़ करता है ज़ाहिर सी बात है और साफ़ करना भी चाहिए और अगर मेरे हस्बैंड जो है मुझे चिकन साफ़ करता देख लेना तो वो तो एक ही बात करते हैं कि यार तुम ऐसा करो एक ही बार इसको मशीन में डाल के साफ़ कर लो क्योंकि <laughs> मैं काफ़ी टाइम लगाती हूँ इसको साफ़ करने में लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मतलब हर पीस अच्छे से मैं साफ़ करूँ और आज खाने में भी जो है मैं चिकन ही बनाऊँगी तो ज़ाहिर सी बातें लेकर आई थी तो बच्चे कह रहे थे मामा आज चिकन ही बना लें तो वही बनाऊँगी और मैं बनाऊँगी आज शोरबे वाला चिकन और उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी तो ये देखिए जी वो जो है वो काम निपटाने के बाद मैं अब यहाँ पे आ गई थी जी एक दिन के लिए खाना बनाने तो चिकन बना रही थी मैं शोरबे वाला और इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वो प्याज काट के फ़्राई किया था प्याज को ऑयल में फ़्राई करेंगे और जब जो है प्याज को ज़्यादा हमने फ़्राई नहीं करना मतलब कि बिल्कुल डार्क कलर नहीं करना हमने इसका बस लाइट सा हमने इसको फ़्राई करना है ये देखिए जी बस इतना सा प्याज आपका फ्राई हो जाए तो हमने लेने हैं जी ब्लेंडर जग और उसके बाद ये जितना प्याज था इसको मैं डाल दूँगी इस ब्लेंडर में और साथ ही मैं डाल दूँगी जी टमाटर प्याज टमाटर आप जो है वो अपने हिसाब से डालें तो मैंने यहाँ पर लिए थे तीन अदद जो है वो प्याज लिए थे और तीन ही टमाटर ले लिए थे और इसको मैं कट करके इनमें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैं जो है वो इसको ब्लेंड कर लूँगी ये देखिए जिसको मैंने ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लिया था और अब वही पेस्ट जो है मैं दोबारा से ऑयल में डाल दूँगी और इससे जो है अब हम मसाला बनाएंगे काफ़ी स्मूथ सा मसाला बनता है और इजी भी हो जाता है अगर आप ब्लेंड करके जो है वो मसाला बनाते हैं प्याज टमाटर को तो एक तो आसानी हो जाती है और काफ़ी जल्दी से जो है वो मसाला रेडी भी हो जाता है और साथ ही मैं मैं कुछ मसाले भी इसमें शामिल कर रही हूँ वही यूजली जो रूटीन के मसाले होते हैं नमक सुरख मिर्च पाउडर कुटी हुई लाल मिर्च हल्दी पाउडर सूखा धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर और ये सब जैसे मसाले जो हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ये देखें जी मसाले मैंने इसमें ऐड करके मिक्स कर दिए हैं और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी जी अदरक लहसुन का पेस्ट तो ये देखिए मसाला हमारा कितने अच्छे से रेडी हो चुका है जब मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए ऑयल छोड़ दे तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन काफ़ी आसान सी रेसिपी है और इजी भी है और जो है वो ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल के, आज के बिज़ी दौर में जो है बहुत जल्दी से बन जाती है तो साथ ही जो है मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो सबुत गर्म मसाला डाल दूँगी तो काली लाल मिर्च होती है और दालचीनी और बड़ी इलायची जो होती है ये डाल दूंगी और अच्छे से हम भून लेंगे जब चिकन भी अच्छे से भूनने हो जाए और शोर दे तो मैं इसमें डाल दूँगी दो ग्लास पानी क्योंकि मुझे शोरबे वाला चिकन बनाना था तो पानी डाल के बस मैं जो है वो पहले इसे फूल आँच पर पकाऊगी कि ये अच्छे से बॉईल हो जाए और जब ये बॉईल हो जाएगा तो फिर इसे दम पे रख दूँगी तो बस ऐसे हमारा चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा लास्ट में आप इसे गार्निश कर लीजिएगा हरा धनिया और सूख मिर्चों से तो ये था जी यहाँ पे अब शाम का वक्त तो बच्चे जो है वो काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे केक की तो मैंने सोचा चले आज उनको केक बना के दे ही देती हूँ तो ये जी मैं सबसे पहले ब्लेंडर जग में डाल रही हूँ जी दो अंडे और एक कप चीनी और एक कप मैंने ऑयल डाल दिया था मैं जो है वो मेयरिंग कप्स यूज़ करती हूँ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा कप आपको जो है वो बेटर लगता है इस चीज़ के लिए तो बस एक कप चीनी एक कप ऑयल और दो अंडे डालकर मैं जो है वो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इतना हमने इसको ब्लेंड करना है कि चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अब एक बाउल में जो है मैं डालूँगी तकरीबन तो डेढ़ कप मैदा मैंने लिया था और उसके साथ मैं डाल दूँगी जी बेकिंग पाउडर हाफ टेबल स्पून मैं इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बेकिंग में और ना ही मुझे इतनी खास बेकिंग आती है पर ये है कि बच्चों के लिए बना बना के थोड़ा बहुत बनाना मुझे भी आ ही गया है तो जो है कि ज़ाहिर सी बातें कोशिश होती है हम मदरस की तो यही कोशिश होती है कि हम बच्चों को जो है वो अच्छी और ख़ालिश चीज़ें और आज कल के ज़माने में तो यही है कि हम बच्चों को जो है वो जितनी हो सके होम मेड चीज़ें दें तो बस ये बेकिंग पाउडर मैदा और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको मिक्स किया था और फिर जो वो बैटर बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया था और इसको मैं मिक्स कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप दूध का दूध डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और ये बैटर जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा मेरी भी यही कोशिश होती है कि बच्चों को जो, तो है। जो है वो होममेड चीज़ें दूं क्योंकि बाहर की चीज़ें तो आजकल बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि बाहर की चीज़ें जो है वो काफ़ी अनहेल्दी होती हैं और सेफ भी नहीं होती घर में ही होता है कि जो है वो एक तो हेल्दी होती है आप खुद बना के देते हैं अपने बच्चों को थोड़ी सेफ़ भी होती हैं और जो है वो सस्ती भी पड़ जाती हैं बाहर आप देख लें कितनी महंगाई है ये चीज़ें अगर आप बाहर से लेंगे तो कितनी जो है वो महंगी पड़ेंगी आपको तो मैंने यहाँ पर ले था जी ये एक मोड मैंने सोचा आज थोड़ा डिफरेंट किस्म के केक बनाऊ तो ये मैं मोड लाई थी पर इसे मैंने यूज़ नहीं किया था तो आज मैं इसको यूज़ करने वाली थी वरना हमेशा जो है वो बच्चों के लिए सर्कल और स्क्वायर शेप के केकस बनाती थी तो आज फर्स्ट टाइम मैं इस मोल्ड को यूज़ कर रही थी मैंने कहा चलिए ट्राई करते हैं कि इसमें केक कैसे बनता है तो इसमें जाहिर सी बात है बटर पेपर तो लग नहीं सकता था तो मैंने जो है वो इसको ग्रीस करके तो मैदा लगा दिया था और अब जो है सारा बैटर में इसमें डाल के तो मैं इसको बेक कर लूँगी ओवन को मैंने पहले से प्री हीट किया था तो मैं अब इसको रख दूँगी जी ओवन में ये ओवन जो है वो प्री हीट हो चुका था तो अब मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी और मैं इसको जो है वन एटी डिग्री पे थर्टी मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे थर्टी मिनट्स इनफ थे इस केक को बेक करने के लिए तो ये देखें जी आफ्टर थर्टी मिनट्स वाह वा ये देखें जी ये तो कमाल हो गया <laughs> बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म के का केक बना था ये और आप यकीन करें इतना सॉफ्ट था ये मुझे बहुत हैरानगी हो रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त था तो जो है अब इसको डीमोल्ड करते हैं जी मैंने इसके को जो है वो थोड़ा सा स्पैचुला से ऐसे लूज़ किया था तो बस एक प्लेट में ऐसे किया तो फ़ौर सही निकल आया था खुद बह हु और ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त केक बन के रेडी हुआ था मेरे बच्चे इसको देख के इतने खुश हुए थे वो इस वक्त ट्यूशन गए हुए थे जब मैंने ये केक बेक किया था उनके लिए और आप देख लें कितना सॉफ्ट सा बना है मैं जिस दिन शाम को उनके लिए केक बेक करती हूँ तो नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग में वो लंच बॉक्स में भी केक ही ले कर जाते हैं तो ये एक अब हमारी लंच बॉक्स रेसिपी भी होगी है तो यहाँ पर मैं अब आपको कट करके दिखा रही हूँ ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है और बहुत टेस्टी बहुत सॉफ़्ट बना था ये और यहाँ पे आप चाहें तो इसको जो है वो चॉकलेट से या किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं मेरे पास ये चॉकलेट सिरप था तो मैंने वही कर लिया काफ़ी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है ये अगर आपके घर में कोई झट मतलब फ़ौरन से अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप चाय में भी या फ़ौरन से पहले बस इसको रेडी करें इसका बैटर बनाएं और थर्टी मिनट्स में बेक करें और सब काम निपटाने के बाद मैं सोच सोची थी कि शायद मैं फ्री हो गई बट लास्ट में मुझे याद आया कि यार मैंने तो आटा गूँधा ही नहीं रात के लिए तो आटा बिल्कुल भी नहीं था तो फिर मुझे उठना पड़ा और फिर मैंने सोचा अब जल्दी से आटा गूँध लूँ क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह के लिए भी चाहिए होता है आटा सुबह नाश्ते में हम पराठे लेते हैं है। मेरा मेरे हस्बैंड और तो रात के लिए भी आटा चाहिए था तो फिर इतनी थकावट के बावजूद भी फिर मैंने आटा गूँधा तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको आज का भी कैसा लगा है आज का भी हम यहीं वो करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा खुदा हाफिज़